रोजे की हालत में जो मसला आता है कई लोग इसमें करते हैं, और इसमें जो अक्सर जो चीज़ें हम देखते हैं तो शियाओं के यहाँ पर हमारे इसमें राइज हो जाती है, तो लोग हमें मना करते हैं, सुरमा लगा लिया रोज़ा टूट गया, विक्स लगा लिया रोज़ा टूट गया, विक्स आपने सूंघ लिया उससे रोज़ा आपका टूट गया, बाम लगा लिया आपका रोज़ा टूट गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें सही नहीं है। रोज़े इसके रोज़े की हालत में सुरमा लगाया जा सकता है, तेल मालिश की जा सकती है, लेकिन ये कहते नहीं वो पेवस्त हो जाता है, आदमी तेल लगाता है तो अंदर चला जाता है, या फिर जो आजकल ठंडा ठंडा कुल कुल तेल चलते हैं तो इंसान ठंडक की वजह उसको लगा लेता है, बोले नहीं ये तो अंदर चला गया, अब तो तुम्हारा रोज़ा टूट गया है तो अंदर उसे चला जाता है। तो देखिए क्या वो खाना मुँह से खाने की बात है, कहीं और से खाने की बात नहीं, क्या आदमी का सर से खाता है, तो सर खाने की जगह नहीं है, पेट कैसे भराता है, मुँह से खाने से भराता है, तो उससे कोई रोज़ा उसका नहीं हो सकता। बाल इसमें कटवा सकते हैं, नाखून इसमें तरासवा सकते हैं, इसकी कोई हर्ज इसमें नहीं है। इस तरह रोज़े की हालत में अगर नाक आँख में जो है अगर मक्खी चली जाए, मच्छर चला जाए, कोई कीड़ा उड़कर चला जाए तो क्या रोज़ा टूट जाता है, तो उससे कोई फ़र्क तो उस पर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे खाने की चीज़ नहीं है, कोई आदमी क्या मक्खी खाता है मच्छर खाता है वो गलती से उसका चला गया तो उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।